गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन का वन लाइनर सीरीज लेकर आई हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। फिर से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रेबिरेनस ने 1801 ईस्वी में। फिर से, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रेबिरेनस ने 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान। फिर से, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। फिर से, पेड़ पौधे से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, यानी कि बोटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। फिर से, वातावरण से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन का अध्ययन। फिर से, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु को। फिर से, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता अरस्तु। फिर से, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। फिर से, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। कौन कौन भाग? जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में। फिर से, अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में, जंतु समूह और वनस्पति समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिस्टिमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने। फिर से, सिस्टिमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैरोलस लीनियस द्वारा जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जंतु जगत और पादप जगत।
फिर से देख लेते हैं, कैरोलस लिनियस द्वारा जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया गया था? तो दो जगत में, एक हो गया जंतु जगत और एक पादप जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस को, और इनका जन्म 1708 ईस्वी में और मृत्यु 1778 ईस्वी में हो गया था। फिर से देख लेते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, थियोफ्रेटस ने 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटरम। फिर से, थियोफ्रेटस ने 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। फिर से देख लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल हिस्ट्री यानी कि प्राकृतिक विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी ने। फिर से, नेचुरल हिस्ट्री यानी कि प्राकृतिक विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेन। फिर से, प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वीं सदी में, और एल्बर्टस मैग्नस की पुस्तक ऑन एनिमल्स से। फिर से देख लेते हैं, जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण कब हुआ? तो इसका जंतु विज्ञान का पुनर्जागरण 13वीं सदी में एल्बर्टस मैग्नस की पुस्तक ऑन एनिमल्स से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच की कड़ी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा युगलिना। फिर से, पादप जगत एवं जंतु जगत की बीच की कड़ी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा युगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिलासोफिया बोटनिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। फिर से, फिलासोफिया बोटनिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आरएच विटेकर ने, और वो 5 जीवधारियों का वर्णन किस में किया गया है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। फिर से देख लेते हैं, 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आरएच विटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। फिर से, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। एग्जाम्पल के लिए, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किबैक्टीरिया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मोनेरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के उदाहरण है युगलिना और प्रोटोजोआ। फिर से देख लेते हैं,
एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के एग्जांपल हो जाएंगे यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये दोनों को प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव को किसमें रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे शैवाल, मांस, पुष्पीय पौधे तथा अपुष्पीय पौधे। फिर से, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव को किसमें रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप, पादप समूह में, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शैवाल, मांस, पुष्पीय पौधे तथा अपुष्पीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक के अंतर्गत। फिर से, यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन नामक जटिल शर्करा की, काइटिन नामक जटिल शर्करा की। फिर से देख लेते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन नामक जटिल शर्करा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव किसमें शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु। फिर से, सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव किसमें शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु समूह में, और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी, ये सब जंतु के एग्जाम्पल हैं, जंतु समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वर्गीकरण की आधारभूतिकाएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। फिर से, वर्गीकरण की आधारभूतिकाएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जीवों का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस 1753 ईस्वी में। फिर से, जीवों का द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंश का। फिर से, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो आंसर हो जाएगा वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका पहचान बताता है? तो आंसर हो जाएगा जाति। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। फिर से देख लेते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राना टिग्रिना। फिर से, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राना टिग्रिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बॉस इंडिकस। फिर से, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बॉस इंडिकस। 35, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैनिस फैमिलैरिस। फिर से, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैनिस फैमिलैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
36. बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका. फिर से, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका. मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आम का वैज्ञानिक नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका. आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूसा पारा डिसिका. फिर से, केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पारा डिसिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालुस पोमिला. फिर से, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा मालुस पोमिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजा सटिवा. फिर से, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ओरिजा सटिवा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम. फिर से, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियामेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइसम सटिवम. फिर से, मटर का वैज्ञानिक नाम तो पाइसम सटिवम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसर एरिटिनम. फिर से, चना का वैज्ञानिक नाम तो सीसर एरिटिनम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनम ट्यूरोजम. फिर से, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सोलेनम ट्यूरोजम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सोलेनम मेलोन गेनम. फिर से, बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सोलेनम मेलोन गेनम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलियम सेपा. फिर से, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एलियम सेपा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलियम सटिवम. फिर से, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एलियम सटिवम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैप्सिकम एनम. फिर से, मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैप्सिकम एनम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा लाइकोपर्सिकम इंस्कुलेटम. फिर से, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा लाइकोपर्सिकम इंस्कुलेटम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटियाना टुबैकम. फिर से,
तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा निकोटियाना टुबैकम। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53, पीली सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिज। फिर से देख लेते हैं, पीली सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सेक्रम ऑप्सिनेरम। फिर से, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सेक्रम ऑप्सिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यूसीफेरा लोटस लोटस। फिर से, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यूसीफेरा लोटस लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, काली सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेसिका नाइजर। फिर से, काली सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेसिका नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजा चाइनेंसिस। फिर से देख लेते हैं, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रोजा चाइनेंसिस। ये ऊपर के जितने भी वैज्ञानिक नाम है उसको आप एक से दो बार देख लीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सोलेनिन के कारण। फिर से, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सोलेनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, लहसुन प्याज में गंध का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। फिर से, लहसुन प्याज में गंध का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ककड़ी में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुट बिटेसिन के कारण। फिर से, ककड़ी में तीखापन किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कुकुट बिटेसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैरोटीन। फिर से, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण। फिर से, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण। अगर पीला रंग पूछे तो कैरोटीन के कारण, और लाल रंग पूछे तो एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसाइनेट। फिर से, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आइसोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, सलजम में कुलकुलाहट किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। फिर से, सलजम में कुलकुलाहट किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, चना के पत्ती में नमकीन स्वाद किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड के कारण। फिर से, चना के पत्ती में नमकीन स्वाद किसके कारण होता है? तो
तो आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निकोटीन। फिर से, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 67, कॉफी में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। फिर से, कॉफी में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, चाय में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा थीन। फिर से, चाय में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, खेसारी में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोआ। फिर से, खेसारी में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। फिर से, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, और इसका एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एपिकल्चर। फिर से देख लेते हैं, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। फिर से, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर। फिर से, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, मछलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। फिर से, मछलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। फिर से, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, फूलों की खेती का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फिर से, फूलों की खेती का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फिर से, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। फिर से, उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। फिर से, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिर से, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। फिर से, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी में। फिर से, कीटों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सर्पों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफियोलॉजी। फिर से देख लेते हैं, सर्पों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सौरोलॉजी। सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी और छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। फिर से, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। फिर से, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फिर से, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी में। फिर से, विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कोशिका के आंतरिक संरचना एवं उसके कार्य तथा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। फिर से, कोशिका के आंतरिक संरचना एवं उसके कार्य तथा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अर्बोरिकल्चर। फिर से, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ओलेरिकल्चर। फिर से, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। फिर से, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, वृक्षों की आयु का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर से, वृक्षों की आयु का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, औषधीय पादपों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फार्मिकोलॉजी में। फिर से, औषधीय पादपों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फार्मिकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, फसलों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी। फिर से, फसलों के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, जीवों की अनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स में। फिर से,
जीवों की आनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। फिर से, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मिर्मिकोलॉजी। फिर से, चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पेलियोन्टोलॉजी। फिर से, जीवधारियों में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पेलियोन्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, जंतु के नाक कान गले का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? यहाँ पे कान होना चाहिए। फिर से, जंतु के नाक कान गले का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा राइनोलॉजी। फिर से, जंतु के नाक कान गले का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रोगों की प्रकृति कारण लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। फिर से, रोगों की प्रकृति कारण लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। फिर से, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। फिर से, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।